राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो। श्री वृंदावन वास, राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरी वरदारी, गोपी जन वल्लभ गिरी वरदारी, जय राधा माधव कुंज यशोदानंदन गज जन रंजन, यशोदानंदन गज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राज गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल,
गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद गोपाल नंद लाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद गोपाल नंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गाइए कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम हम गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय शिशि गौर निताय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय श्री प्रभुपाद नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की ग्रंथराश्मद भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 वो आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तदधाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेमापुमतो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मत्मिदम् तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्य महाप्रभो मत्मिदं
तत्रादरो नह पर वंशी विभो शितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिम बफल धरोष्ठा पूरणेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वा चमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलश तिधर स्वदाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं करारविन्दे नपदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्र स्यपुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृतमेत देव गोविंद दामो धर्माधवेति जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भागवत कथा के इस प्रथम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है आज परम पवित्र दिन है। आज से पवित्र पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने जा रहा है। इस पुरुषोत्तम मास को अधिक मास भी कहा जाता है।
अधिक मास इसलिए क्योंकि यह अधिक अर्थात यह एक्स्ट्रा मास है, यह एक्स्ट्रा महीना है। हमारे भारतवर्ष के शास्त्र और वेदों के गणना के अनुसार 3 साल में एक बार अधिक मास आता है और ये भगवान की योजना है। भगवान ने यह जगत बनाया और जीवों की उत्पत्ति की, तदंतर जीवों को मनुष्य जन्म प्रदान किया एकमात्र उद्देश्य के लिए कि संसार का मनुष्य संसार के समस्त दुखों से मुक्त होकर मेरे धाम वैकुंठ की प्राप्ति करे। परंतु भगवान ने जब इस पृथ्वी की ओर देखा तो संसार के जीव अपनी मुक्ति का कार्य करने के बजाय भगवत धाम प्राप्त करने के कार्य करने के बदले अपने ही जीवन में व्यस्त हो गए, धन कमाने में, गृह कार्य करने में सब लोग पूर्ण व्यस्त बन गए। भगवान ने बहुत उपाय किया कि इन गृह कार्यों से, इन अपने काम धंधे से, बिजनेस से लोगों को मुक्त कराकर मेरी भक्ति करने का अवसर दिया जाए, लेकिन लोगों की रति मति गति पूर्ण रूप से इन कार्यों में लग चुकी थी। तो भगवान ने सोचा कि इस काल में तो सब लोग बिजी हैं, एंगेज हैं, मैं इन जीवों को 1 महीना एक्स्ट्रा दे दूं ताकि अन्य महीने में अन्य समय में तो अपना काम धंधा बिजनेस करे, लेकिन जो एक्स्ट्रा महीना दूंगा उस महीने में लोग मात्र मेरी भक्ति करेंगे, मेरा भजन करेंगे। स्पेशल संसार के जीवों के ऊपर कृपा करके भगवान ने 3 साल में एक बार एक अधिक महीना एक्स्ट्रा मंथ प्रदान कर दिया। यह सोचकर कि संसार का मनुष्य इस अधिक महीने में तो मेरी भक्ति करेगा, लेकिन हाय रे कलयुग के जीवों का दुर्भाग्य कि हम लोग इस अधिक महीने में भी, क्योंकि पाश्चात्य देश की संस्कृति को हम स्वीकार कर चुके हैं और पाश्चात्य देश की संस्कृति में अधिक महीना नहीं होता है, इसकी कोई गणना ही नहीं है, परंतु हमारे वेदों के अनुसार अधिक मास एक्स्ट्रा महीना मिलता है। खैर, जिसके जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, जिसके जीवन का लक्ष्य नित्य सुख प्राप्त करना है, वो इस महीने में भगवान की भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है। इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहा गया है क्योंकि ये पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा दिया गया महीना है। ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में नहीं आता है, पुरुषोत्तम के द्वारा दिया गया ये महीना है। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है जो पुरुषों में उत्तम है। बहुत सारे अर्थ हैं, पुरुष का तो एक अर्थ है संसार के पुरुष। इस जगत के जितने भी पुरुष हैं उन सभी पुरुषों से जो उत्तम है उसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। और वो तो निश्चित है, भगवान तो सभी पुरुषों से श्रेष्ठ है, क्योंकि संसार का पुरुष कितना भी सुंदर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उनकी सुंदरता चली ही जाती है। आप लोगों ने मेरा फोटो कितना अच्छा लगाया नीचे है, लेकिन आज धीरे धीरे सुंदरता चली जा रही है। संसार के पुरुषों की सुंदरता स्टेबल नहीं रहती है और संसार के पुरुष 5 महाभूत से बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश।
इस पुरुषों के अंदर मात्र मल मूत्र और मज्जा भरा हुआ है, परंतु भगवान श्री कृष्ण परम सुंदर है, जिनका देह सच चित और आनंद से बना हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपतियादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक में वेदव्यास मुनि लिखते हैं, सच्चित आनंद रूपाय। कृष्ण का रूप सत चित और आनंद से बना हुआ है, जिसके अंदर सत है, नित्यता, एग्जिस्टेंस, जिसका कभी नाश नहीं, विनाश नहीं। भगवान का शरीर चित से बना हुआ है, चिन्मयी है, अर्थात ज्ञानमयी है। उनका शरीर ही ज्ञानमयी है। और भगवान के शरीर में तीसरी वस्तु लगी है आनंद, जिसमें आनंद ही आनंद भरा हुआ है, परम आनंदमय। तो सत चित आनंदमय विग्रह है और दिखने में भी परम सुंदर है। मनुष्य से कोटि गुना श्रेष्ठ देवता है, देवताओं से कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ गंधर्व है, और उस गंधर्व से कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ भगवान कृष्ण है। और इसीलिए कवियों ने भगवान कृष्ण को सूर सुंदर कहा। कृष्ण का एक नाम है सूर सुंदर। सूर सुंदर अर्थात जो सुराओं से, देवताओं से भी ज्यादा सुंदर है, इसलिए वे सूर सुंदर है। तो किसी कवि ने कहा, बात सत्य है, कृष्ण ही सूर सुंदर और बाकी सब छछुंदर। छछुंदर जानते हैं, चूहा, बाकी सब चूहे के समान। भगवान की सुंदरता में संसार की सुंदरता क्या है? कृष्ण की सुंदरता के सामने इस जगत की सुंदरता कुछ है ही नहीं। भगवान की बात छोड़ दीजिए, देवी देवताओं के सामने भी हमारी कोई गिनती नहीं है। देवी देवता भी जब पृथ्वी लोक की ओर देखते हैं और मनुष्य को जब देखते हैं तो बस कीड़े मकोड़े की ओर दिखाई देते हैं। जैसे हमारे घर में चींटियां होती हैं, है ना, छोटी छोटी चींटी, तो उन चींटियों के समाज में भी मिस चींटी, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया होती होगी। चींटियों के समाज में भी अपना फैशन शो होता होगा। लेकिन चींटी कितनी भी सुंदर हो, मनुष्य के सामने उसकी सुंदरता क्या है? कुछ कोई गिनती नहीं। वैसे मनुष्य कितना हो सुंदर हो, देवताओं के सामने कुछ नहीं है, और देवता कितने ही सुंदर हो, कृष्ण के सामने कुछ नहीं है। और इसीलिए तो बड़े बड़े देवता भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए ब्रज वृंदावन में अक्सर आया करते हैं। धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी आती हैं, शिव जी आते हैं, ब्रह्मा आते हैं, इंद्र आते हैं भगवान की सुंदरता को देखने के लिए। तो पुरुष उत्तम, ये पुरुषोत्तम मास है, जो पुरुषों में उत्तम है, सभी मायने में, सुंदरता में भी सभी पुरुषों से उत्तम है, बल में भी सभी पुरुषों से उत्तम है। आज का पुरुष कितना हो बलवान हो, ज्यादा से ज्यादा अपना बल कितना लगा सकता है? लेकिन भगवान की श्रेष्ठता देखिए, भगवान का बल देखिए। 6 दिन की उम्र में 21 किलोमीटर लंबी चौड़ी राक्षसी पूतना का वध कर दिया। बचपन में ही तृणावर्त को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, चाणूर मुष्टिक को मारा, कंस को मारा। पुरुषों में उत्तम है, संसार के पुरुषों से अधिक सुंदर भी है, संसार के पुरुषों से अधिक बलवान भी है, और संसार के पुरुषों से अधिक ज्ञानवान भी है। संसार का पुरुष क्या ज्ञानी है, कितना हूं बड़ा ज्ञानी होता है,
लेकिन उसका ज्ञान का फ्यूज एक ना एक दिन फेल हो ही जाता है। भगवान कृष्ण परम ज्ञानी है और उनके ज्ञान का एक नमूना भगवद गीता के रूप में हमारे पास उपस्थित है। अर्जुन पूर्ण रूप से माया में फंस चुका था, क्षत्रिय था, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, परंतु अर्जुन ने कहा कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने कर्तव्य से भाग रहा था। तब भगवान कृष्ण ने 45 मिनट में 700 श्लोक युक्त भगवद गीता का ज्ञान दे दिया। अर्जुन को भगवद गीता सुनाने में मात्र 45 मिनट लगी और 45 मिनट के बाद कृष्ण ने कहा अर्जुन अब कैसा लग रहा है? तुरंत अर्जुन ने कहा कृष्ण करिष्ये वचनम तव, आपने जो कुछ समझाया सब कुछ समझ में आ गया, अब बताओ पहले किसको उड़ाना है, पहले किसको मारना है। अद्भुत ज्ञान, 45 मिनट में भगवद गीता दे दी और समझाने वाले को समझा भी दिया, और आज उस भगवद गीता के एक श्लोक को समझने के लिए पूरा जीवन बीत जाता है लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है। परम ज्ञानी, बड़े बड़े देवता कृष्ण के पास ज्ञान लेने के लिए आया करते हैं। तो संसार के पुरुषों से अधिक रूपवान है, संसार के पुरुषों से अधिक बलवान है, संसार के पुरुषों से अधिक ज्ञानवान है और संसार के पुरुषों से अधिक यशवान है। यश माने फेम, कीर्ति। इस दुनिया का आदमी कुछ अच्छा काम करता है तो उसका यश बढ़ता है, है ना? पेपर में, टीवी में उनके फोटो आते हैं। अच्छा काम जब कोई पुरुष करता है तब उसका यश बढ़ता है, लेकिन कृष्ण की लीला तो देखिए, अच्छे काम करने पर तो यश बढ़ता है लेकिन कृष्ण कितना ही गर्हित काम करते हैं, गलत काम करते हैं फिर भी उनका यश बढ़ता है। गोकुल में माखन की चोरी की तो माखन चोर कहके पूरी दुनिया उनकी पूजा करती है। आज कोई चोरी करे सीधा जेल में बंद कर दिया जाएगा। यशवान है। जरासंघ के साथ युद्ध करते हुए रण छोड़कर भाग गए। रण छोड़कर भागने वाले व्यक्ति को कायर कहा जाता है, परंतु कृष्ण ने रण छोड़ दिया, भाग गए तो रण छोड़ राई नाम हो गया और उनकी पूजा करने लगे। संसार के लोगों की कीर्ति, संसार के लोगों का यश 25, 50 या 100 साल तक टिकता है लेकिन कृष्ण का यश युग युग तक संसार के लोग गाते रहते हैं। 5,500 वर्ष बीत गए भगवान कृष्ण इस संसार को छोड़कर अपने धाम में गए, लेकिन आज भी उनकी लीला, आज भी उनका रूप, आज भी उनका नाम तरोताजा है, आज भी लोग उनका यश गाते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या जानते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण का यश गाता है पूरी दुनिया उस आदमी का यश गाने लगती है। आज लोग अपना यश बढ़ाने के लिए क्या नहीं करते हैं? लेकिन फिर भी चाहे कितना हो धन संपत्ति हो यश नहीं बढ़ता है, लेकिन एक बार यदि किसी ने कृष्ण का यश गा दिया वह पूरी दुनिया में यशवान हो गया और उसका ज्वलंत प्रमाण आपके सामने बैठा है। न कोई गुण है, न कोई रूप है, न कुछ है, बस कृष्ण के विषय में थोड़ा सा बोलना सीख गए हैं और वो भी त्रुटि युक्त है। कृष्ण के बारे में बोलते हैं आज पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं, जहां जहां जाते हैं लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। यश स्वयं तो यशवान है लेकिन दूसरों को यश प्रदान कर देते हैं। तो संसार के पुरुषों से यश में भी उत्तम है। कितनी चार चीज हुई याद रखते हो कि नहीं? आप चार चीज हुई, सुंदरता में उत्तम है संसार के पुरुषों से, सुंदरता में उत्तम है, बल में उत्तम है, ज्ञान में उत्तम है और यश में उत्तम है। और पांच, धन में भी उत्तम है, ऐश्वर्य,
संसार का आदमी कितना हो धनी क्यों न हो, उस व्यक्ति के पास कितना पैसा है उससे कोटि कोटि गुना अधिक भगवान कृष्ण के पास है। वो जिस महल में रहते हैं वो पूरी नगरी द्वारिका सोने से बनी हुई थी। कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी और एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या थी। सभी पत्नी और बच्चों के रहने के लिए अलग अलग महल खड़े किए गए थे और ये सारे महल गोल्ड, रियल गोल्ड, चिंतामणि और पारस मणि से बने हुए थे। अद्भुत अनंत ऐश्वर्य था भगवान। रामायणकार ने तो लिखा, दशरथ धन देखी धनज लजाहि। भगवान की ऊपर, भगवान के धन के ऊपर जब धन के धनाढ्य देवता कुबेर जी की दृष्टि पड़ती थी तो कुबेर जी भी लज्जित हो जाते थे कि हाय रे, प्रभु के पास इतना धन जो मेरे पास भी नहीं, अनंत धन है। तो धन में भी संसार के पुरुषों से उत्तम है। और धन की अधिष्ठात्री देवी जिनके चरणों में बैठी है, इससे बड़ा ऐश्वर्य क्या हो सकता है। आज जिस लक्ष्मी की हम और आप पूजा करते हैं और रात दिन गाते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर पर आए हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, पूरी दुनिया जिस संपत्ति के, जिस लक्ष्मी के पीछे पागल है, वह लक्ष्मी भगवान कृष्ण के चरणों में बैठी है, उनके चरणों की सेवा करती है। तो संपूर्ण मात्रा में संसार के सभी पुरुषों से धन में भी उत्तम है और अंत में वैराग्य है। इतना सब कुछ होते हुए भी वैराग्य में भी संसार के पुरुषों से उत्तम है वैराग्य। संसार के जीव के पास थोड़ी बहुत सुंदरता हो सकती है, थोड़ा बहुत धन हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, लेकिन वैराग्य बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान कृष्ण वैराग्य में भी उत्तम है। इस दुनिया में कोई हमें थोड़ा सा प्रेम करता है ना, हम उसे छोड़ नहीं सकते। आदमी अपने घर से 10 दिन के लिए अपने बिजनेस के काम के लिए या किसी यात्रा में बाहर जाता है, 2-3 या 4 दिन बीतता है, तुरंत अपने घर पर फोन करता है, अजी तुम कैसी हो, मेरा चिंटू कैसा है, तुरंत याद करते हैं। यद्यपि देखा जाए तो संसार के इस संबंध में कोई प्रेम नहीं है, मात्र स्वार्थ है। लेकिन ऐसे प्रेम करने वाले को संसार का जीव स्वार्थ के प्रेम को भी नहीं छोड़ सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम करने वाली गोपियां, ब्रज में असंख्य गोपियां थी और दिलो जान से कृष्ण को चाहती थी, दिलो जान से कृष्ण से प्रेम करती थी। और जब अक्रूर जी कृष्ण को लेने के लिए आए, सभी गोपियों को छोड़कर चले गए, कितना वैराग्य है, एक भी व्यक्ति यदि प्रेम कर रहा हो तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। इतनी सारी गोपियों को, और वो भी शुद्ध सत्य प्रेम करने वाली गोपियों को छोड़कर भगवान चले गए, ये है वैराग्य। इतना ही नहीं, वहां राम राज्य की तैयारी हो रही थी। भगवान श्री रामचंद्र राजा बनने वाले थे, अयोध्या के राजा। राजा बनने के 3 घंटे पहले पता चला कि माता कैकेयी ने मुझे वनवास दे दिया है। तुरंत लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर सबको तिलांजलि देकर तपस्वी का वेश धारण करके भगवान वन में चले गए, और वो भी हंसते हुए। संसार में दो भाई का जब संपत्ति का बंटवारा होता है, पिताजी कुछ संपत्ति छोड़कर गए हैं, कुछ जमीन छोड़कर गए हैं, उस संपत्ति और जमीन का बंटवारा होता है और 1-2 फुट आगे पीछे हो गया तो तलवारें निकल जाती हैं। आपके साउथ में तो पता नहीं, यूपी बिहार में बहुत चलती है। तो नहीं, संसार के जीव में यह वैराग्य नहीं देखा गया।
तो संसार के पुरुषों से वैराग्य में भी उत्तम है। तो आइए पुनः संसार के जितने भी पुरुष हैं उन पुरुषों से सुंदरता में उत्तम है, बल में उत्तम है, ज्ञान में उत्तम है, यश में उत्तम है, धन में उत्तम है और वैराग्य में उत्तम है। इसलिए भगवान को पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री पुरुषोत्तम भगवान की। अतः इन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं और ऐसे पुरुषोत्तम भगवान का ये पुरुषोत्तम मास है, कृष्ण का ही ये महीना है। तो ये तो एक अर्थ हुआ पुरुषोत्तम का। पुरुषोत्तम का दूसरा अर्थ होता है पुरुषों में उत्तम। पुरुष का दूसरा अर्थ है पुरुष अवतार। भगवान के असंख्य अवतार हैं, उनमें से एक है पुरुष अवतार। भगवान विष्णु ये पुरुष अवतार है। कर्णदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु या शिरोदक्षाय विष्णु, ये तीनों भगवान के पुरुषावतार हैं। और जो तीनों विष्णु से उत्तम है, अर्थात जो पुरुष अवतार से भी उत्तम है, उसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। जो पुरुषों से भी उत्तम है, थोड़ा सा कम करो वायलिन। तो इस विष्णु से भी जो उत्तम है, इसलिए पुरुषावतार कहते हैं। ऐसी भागवत में कथा आती है कि एक बार कृष्ण द्वारिका में रह रहे थे और अर्जुन कृष्ण को मिलने के लिए द्वारिका आए। तो भगवान कृष्ण प्रतिदिन कृष्ण बलराम सुधर्म सभा में जाते थे, एक सभा लगती थी। तो सुधर्मा सभा में कृष्ण बैठे थे, अर्जुन भी वहां पर बैठे थे और एक ब्राह्मण अपने मृतक पुत्र को हाथ में लेकर आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि ये राजा ठीक नहीं है, ये राजा का शासन ठीक से नहीं है। क्या हुआ? बोले मेरे 10 पुत्र जन्म लेते ही मर गए। 10 पुत्र का जन्म हुआ और जैसे ही मेरी पत्नी पुत्र को जन्म देती है तुरंत मर जाता है। आखिर इस राज्य में पुत्र मर रहा है, ये राजा का शासन ठीक नहीं है। ब्राह्मण राजा को भी गाली देने लगे, कृष्ण को भी गाली देने लगे। अर्जुन को अच्छा नहीं लगा, भगवान के सखा जो थे। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण देवता आप जबान संभाल कर बात कीजिए, आप किसके सामने बोल रहे हैं? इनको तो गाली सुनने का अभ्यास है, 100 गाली तक तो ये सुन ही लेते हैं, लेकिन मैं इनका मित्र हूं, मैं इनका सखा हूं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आखिर आपकी तकलीफ क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? बोले ये मेरे पुत्र जन्म लेते ही मरते हैं। अर्जुन ने कहा, तो कृष्ण को मत कहो, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि अब की बार तुम्हारी पत्नी जब पुत्र को जन्म देगी तुम मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। और यदि नहीं कर पाया तो मैं अर्जुन स्वयं अपने ही गांडीव से आत्महत्या करके मर जाऊंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली अपने प्रभु की रक्षा करने के लिए। और क्षत्रिय की प्रतिज्ञा को तो आप जानते ही हैं। धीरे धीरे समय बीता और जब उस ब्राह्मणी के गर्भ से बालक का जन्म होने वाला था तो अर्जुन को बुलाया गया। अर्जुन आए अपने बाण से, उस घर के आजू बाजू में बिल्कुल बाण की दीवार खड़ी कर दी। चारों ओर अर्जुन ने अपने बाणों की दीवार खड़ी कर दी कि साक्षात काल भी वहां पर प्रवेश न कर सके। और कुछ समय के बाद ब्राह्मण रोते रोते बाहर आया। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? ब्राह्मण ने कहा, यह बच्चा भी मर गया। अर्जुन तो हैरान हो गए, ये कैसे हो सकता है? अब वो बालक तो मर गया और अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि मैं मरने नहीं दूंगा, और वो मर गया। अर्जुन हाथ में गांडीव लेकर स्वयं आत्महत्या करने गए, तुरंत कृष्ण वहां पर आए। अर्जुन क्या कर रहे हैं? बोले, प्रभु अब क्या करूं, मैं मेरे प्रतिज्ञा से च्युत हो गया, अब मरने के अलावा और कोई रास्ता बाकी नहीं रहा।
कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम आत्महत्या मत करो, हम उस बालक को ढूंढने जाते हैं। कृष्ण और अर्जुन वह दिव्य रथ पर सवार होकर उस बालक को ढूंढने के लिए आकाश पाताल सारे लोक लोकांतर में घूमे। जब इस संसार में वो बालक नहीं मिला तब यमराज जी के पास गए। यमराज कृष्ण को देखकर यमराज जी खड़े हो गए, प्रभु आज आपको यहां पर आना पड़ा, फोन कर दिया होता तो मैं आपके पास आ जाता। कृष्ण ने कहा नहीं, काम मेरा है इसलिए मैं आपके पास आया हूं। बताओ हमारे द्वारिका के ब्राह्मण का पुत्र तुम्हारे पास है? यमराज जी ने कहा प्रभु मेरे पास तो नहीं। सभी लोग लोकांतर में जाकर उस पुत्र को ढूंढा, आखिर गया कहां? यमराज जी के पास भी नहीं था। तब कृष्ण और अर्जुन ये दोनों वैकुंठ में गए, वैकुंठ में जहां पर भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। अब एक ही स्थान बचा था और इनको तो मन में स्वप्न में भी नहीं था कि विष्णु के पास वह बालक होगा। सब जगह पर ढूंढा, सोचा अब एक चीज बची है और वो है भगवान विष्णु का स्थान वैकुंठ। कृष्ण अर्जुन दोनों भगवान विष्णु के पास गए। कृष्ण को देखकर भगवान विष्णु खड़े हो गए और प्रणाम किया, स्वागत किया, क्योंकि आखिर विष्णु जो है कृष्ण के अंश हैं। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन कृष्ण ने कहा भगवान विष्णु को कि हम पूरे जगत में ढूंढ रहे हैं उस द्वारिका के बालक को, आपके पास तो वो बालक नहीं है? भगवान विष्णु ने कहा वो बालक मेरे ही पास है। कृष्ण ने कहा हम इतने परेशान हो रहे हैं, पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं और आप इस बालक को छुपा कर रखे हो, कम से कम एक फोन तो करना था। जानते हैं भागवत में वर्णन है तब भगवान विष्णु ने क्या कहा? विष्णु ने कृष्ण को कहा कृष्ण मैंने जानबूझकर इस बालक को छिपा कर रखा इसलिए ताकि एक ना एक दिन आप मेरे द्वार पर आओ और मैं आपकी सुंदरता को देखता रहूं, मैं आपके रूप को निहारता रहूं, आपका दर्शन करने के लिए मैंने इस बालक को चुरा लिया था। तो विष्णु भी जिस कृष्ण को देखना चाहते हैं, जो विष्णु से भी उत्तम है, विष्णु जो है पुरुष अवतार है, तो इस पुरुष अवतार विष्णु से भी जो श्रेष्ठ है, उत्तम है, इसलिए इनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो ऐसे भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ये महीना है और परम सौभाग्य है कि ये महीना आज ही से प्रारंभ हो रहा है और ऐसे पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ में आज यहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ हो रहा है। ये हम सबका परम सौभाग्य है। देखिए समय की भी अपनी महिमा होती है। आप कोई कार्य यदि ठीक समय पे करते हो तो वह कम करने पर भी तुरंत फल देता है। ठीक उसी प्रकार आप अन्य समय में भगवत कथा सुनो, भगवान का नाम लो तो फल मिलता है, लेकिन इस पुरुषोत्तम मास में भगवान का नाम लेते हो, कथा सुनते हो या भक्ति करते हो तो उसका अधिक गुना फल मिलता है, सैकड़ों गुना अधिक फल मिलता है। अधिक मास है तो फल भी अधिक मिलेगा, भक्ति भी अधिक मिलेगी। तो परम सौभाग्य है सुंदर राम प्रभु का, सुंदर राम प्रभु नाम है ना, और उनकी धर्म पत्नी रेखा माता जी, जिनका बड़ा भाव था, बड़ा प्रेम था भागवत के प्रति, भगवान के प्रति। और कई दिनों से उनकी इच्छा थी कि हम यहाँ इस मैंगलोर क्षेत्र में भागवत कथा का आयोजन करें और आखिर योग बन ही गया इस पवित्र क्षेत्र में, पवित्र दिन में इस पवित्र कथा का प्रारंभ हम सब करने जा रहे हैं। आप सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, विशेष स्वागत करते हैं हमारे उडुपी से आए हुए यदुनाथ प्रभु का और बर्मा से आए हुए हमारे नरेंद्रनाथ प्रभु का और मुंबई से आए हुए नीलवसंत प्रभु
और ये हमारी पूरी टीम का और यहाँ के मैंगलोर के समस्त वैष्णव भक्त वृंद का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। इस दक्षिण भारत में केरला में एक बहुत बड़े संत का जन्म हुआ और पूरी दुनिया उस संत को जानती है, उनके नाम की पदवी भी बन चुकी है, जो साक्षात शिवजी के अंश से प्रकट हुए और जिनका नाम हुआ शंकराचार्य। श्रीपाद शंकराचार्य शिवजी के अंश थे और उन्होंने भगवान की भक्ति का प्रचार किया। कल मैं उनके चरित्र को पढ़ रहा था, अद्भुत चरित्र है। एक दिन श्रीपाद शंकराचार्य काशी क्षेत्र में गंगा के तट पर विचरण कर रहे थे और उस समय वहां पर एक ब्राह्मण, एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 60-70 साल की हो चुकी थी और 70 साल की उम्र में उसको शादी करनी थी और उसने सोचा कि शादी करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कैसे कमाऊंगा, तो सोचा कि दूसरों को व्याकरण सिखाऊंगा तो दूसरों को व्याकरण सिखाकर पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो शादी करूंगा, शादी करूंगा तो सुख मिलेगा। तो यह सब करने के लिए गंगा के तट पर बैठकर व्याकरण सीख रहा था। व्याकरण में अनेकों सूत्र होते हैं, हम भी थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़े हैं। पाणिनि जी के व्याकरण में 1000 सूत्र है, लघु सिद्धांत कौमुदी में, तो उन सूत्रों को याद करना होता है। तो उनमें से डुक्रिम करिणे नाम के एक सूत्र को वह याद कर रहा था। 70 साल की आयु में वह बूढ़ा जो काम सीनियर केजी जूनियर केजी के बच्चे करते हैं वो काम 70 साल का बूढ़ा कर रहा था। क्यों? व्याकरण पढ़ूंगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो शादी करूंगा, उद्देश्य यही था। तो इस प्रकार से संसार के भोगों को भोगतने की आशा से व्याकरण पढ़ रहा था। श्रीपाद शंकराचार्य वहां से जा रहे थे और देखा कि इतने बुढ़ापे में भी इसको व्याकरण सीखना है और शादी करनी है और पैसे कमाना है। शंकराचार्य से नहीं रहा गया और उन्होंने कह दिया, गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन निहिते काले संप्राप्ते सन निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डोक्रिम करिणे भज गोविंद। काशी में गंगा के तट पर वह 70 साल का बूढ़ा व्याकरण रट रहा था। शंकराचार्य ने सुन लिया और देख लिया, तुरंत गए, अरे मूढ़ है, मूर्ख की तरह तुम कार्य कर रहे हो, मूढ़ की तरह, मूढ़ शब्द कहा। देखिए 100 पागल की पागलता को एकत्रित करते हैं तब एक मूर्ख बनता है और 100 मूर्ख को जब एकत्रित करते हैं तब एक मूढ़ बनता है। संबोधन दिया, अरे मूढ़ गोविंदम भज, गोविंदम भज, ये क्या डुक्रिम करिणे डुक्रिम करिणे, ये व्याकरण के सूत्र को क्यों रट रहा है? तुझे रटना ही है तो गोविंद के नाम को रट। क्यों? क्योंकि सन्निहिते मरणे संप्राप्ते, क्योंकि तुम मृत्यु के बहुत निकट आ चुके हो और मृत्यु के निकट आए हुए व्यक्ति को सारे कार्य को छोड़कर एकमात्र गोविंदम भज गोविंद का भजन करना चाहिए। श्रीपाद शंकराचार्य ने यह बात कही थी। क्यों गोविंद का भजन करूं?
तो अंतिम लाइन में कहते हैं, नहीं नहीं रक्षिते डुक्रिम करणे, ये तुम्हारा व्याकरण, ये तुम्हारा कार्य तुम्हें मृत्यु से नहीं बचा सकता है। मौत से यदि बचना चाहते हो, मृत्यु से बचना चाहते हो, तो भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो, कृष्ण का भजन करो। बहुत सुंदर कहा है। और सत्य बात है भक्तों, भगवान कृष्ण का, गोविंद का भजन करने से ही हम मृत्यु जैसे भय से मुक्त हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में एक ऐसा प्रसंग आता है, भगवान कृष्ण जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, तब अर्जुन की सहायता करने के लिए द्वारिका से हस्तिनापुर आए, अर्जुन का रथ चलाए, उस युद्ध में भाग लिए, और इतना ही नहीं, कृष्ण ने पांडवों को युद्ध में विजयी बना दिया। और जब सारे कौरव मर गए, पांडव विजयी हो गए, तब भगवान कृष्ण ने देखा कि अब यहां सब कुछ ठीक हो गया है। तब कृष्ण हस्तिनापुर से अपने घर द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। युधिष्ठिर महाराज से आज्ञा ली, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों पांडवों से आज्ञा लेकर और अपनी बुआ कुंती देवी के चरणों में प्रणाम करके, नमस्कार करके, भगवान कृष्ण रथ के ऊपर सवार हो गए। कृष्ण रथ पर बैठे हैं और उद्धव जी, सात्यकी जी भी विराजमान हैं, बस आदेश देना बाकी है। मानो गाड़ी का सेल भी लग चुका है, गाड़ी चालू हो चुकी है। जैसे ही वह रथ चलने जा रहा था, तुरंत एक आश्चर्यमय घटना घटी। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े 5 पांडवों के ऊपर और 6ठा ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ के ऊपर, जिस गर्भ में एक बालक पल रहा था। यह सोच करके पांडव भी मरेंगे और पांडवों का अंतिम वंशधर ये उत्तरा का गर्भ भी मारा जाएगा। अभिमन्यु तो मर चुके थे। उत्तरा ने जब देखा कि यह ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ की ओर आ रहा है, उत्तरा दौड़ते दौड़ते कृष्ण के पास आई, पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते, हे जगतपति, हे महायोगी, पाही माम, आप मेरी रक्षा कीजिए। कृष्ण रथ पर थे, रथ चल नहीं जा रहा था, और उसी समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़कर कृष्ण के चरणों में गिर गई। हे कृष्ण, पाही पाही, आप मेरी रक्षा कीजिए। कृष्ण ने पूछा, क्या हुआ उत्तरा? उत्तरा ने कहा, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, आप इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। तब उस समय कृष्ण कहते हैं कि हे उत्तरा, तुम रक्षा मांगने के लिए मेरे पास क्यों आई? अरे मैं तो बांसुरी बजाने वाला ग्वाला हूं, मैं तो गाय बछड़े चराने वाला ग्वाला हूं, युद्ध करना तो ये तुम्हारे पांडव लोग जानते हैं, और अभी अभी बिल्कुल वेल एक्सपीरियंस वाले हैं, अभी अभी कुरुक्षेत्र की भूमि पर विजय होकर आए, तो तुम पांडवों के, अर्जुन के पास, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर के पास जाओ, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। उत्तरा ने बहुत सुंदर बात बताई, हे कृष्ण, कृष्ण मैं मानती हूं कि ये पांचों पांडव बहुत बड़े योद्धा है, इस पांचों पांडवों को 1 मिनट में हजारों लोगों को यदि मारने के लिए कहा जाए तो यह 1 मिनट में हजारों को मार सकते हैं, लेकिन कृष्ण मरे हुए को जीवित करने का काम तो एकमात्र आप ही कर सकते हो, जीवन दान तो एकमात्र आप ही दे सकते हो। नान्यम त्वद अवयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, इस संसार में लोग, यत्र मृत्यु परस्परम, लोग एक दूसरे को मार सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन न अन्यम तद अभयम पश्ये,
लेकिन अभय कोई नहीं दे सकता, मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। इस संसार में हम रोज देखते हैं, प्रतिदिन न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनलों में हम सुनते हैं कि यहाँ पर हजारों लोग मर गए, यहाँ इतने मारे गए, आतंकवादियों ने इतने को ख़त्म कर दिया, इतनी आत्महत्या हो गई। लेकिन आज तक हमने ऐसा नहीं सुना कि एक आदमी मर गया था, उसे लेकर शमशान में गए और दो पांच लोग आए, उन्होंने मंत्र मारकर मरे हुए आदमी को जीवित कर दिया। मार सकते हैं, एक दूसरे को मार सकते हैं, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को जीवित तो एकमात्र कृष्ण आप कर सकते हो। श्रीपाद शंकराचार्य ने भी यही कहा ना, संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिम करेणे। ये मरते समय ये व्याकरण, ये धन संपत्ति तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, तुम्हारी रक्षा तो एक ही कर सकता है और वो है कृष्ण। और इसीलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। एकमात्र कृष्ण ही मृत्यु से बचा सकते हैं और यही हुआ। उत्तरा ने कृष्ण से कहा, कृष्ण आप मेरी रक्षा कीजिए। कृष्ण ने और एक परीक्षा ली, कहा उत्तरा तुम्हारे पति तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, उत्तरा तुम्हारे पति तो मर चुके हैं, और जिनका पति मर गया हो फिर वह पत्नी को जीने से क्या लाभ है। जीव बिनु देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। सीता जी का ये उद्गार है कि जैसे पानी के बिना नदी कुछ काम की नहीं रहती है, जैसे प्राण के बिना यह देह कुछ काम का नहीं रहता है, वैसे पति के बिना पत्नी कुछ काम की नहीं, उस पत्नी को कभी सुख नहीं मिल सकता है। तो उतरा तुम्हारे पति संसार में नहीं रहे तो तुम भी मर जाओ, तुम जियो मरो क्या अंतर है। उत्तरा ने बहुत सुंदर बात बताई, कृष्ण मुझे मरने का कोई गम नहीं है, मैं भले मर जाऊं परंतु अभी द्रवति मामिश मामे गर्भोनि पात्यताम, मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है उस बालक को एक खरोज भी नहीं आनी चाहिए, यही आपके चरणों में प्रार्थना कर रही हूं। मैं तो मरने के लिए तैयार हूं लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। भारत देश की एक नारी, आर्य वर्ष की नारी, स्वयं मरने के लिए तैयार हो जाती हैं लेकिन अपने गर्भ को, अपने संतान को नहीं मरने देती हैं। परंतु भक्तों समय बदल गया, घोर कलयुग आ गया और आज के समय में काम वासना से मोहित होकर पुरुष और स्त्री संग करते हैं और जब गर्भ में बालक होते हैं तो उसका गर्भपात करा देते हैं। कलयुग में प्रचंड मात्रा में गर्भपात हो रहे हैं, ये गर्भपात करना बहुत बड़ा पाप है, भागवत हमें सिखाता है। देवी उत्तरा ने कहा मैं भले मर जाऊं आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। तुरंत उत्तरा की प्रार्थना को सुनकर कृष्ण रथ पर बैठे थे, बाहर से भी रक्षा किए और सूक्ष्म रूप धारण करके कृष्ण उत्तरा के गर्भ में चले। एक हाथ में गदा और एक हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। किसी ने कहा दो दो आयुध लेकर क्यों गए, भगवान ने सोचा कि उस ब्रह्मास्त्र को फैल करने में यदि मेरी गदा विफल हो गई तो चक्र से काम बना लूंगा लेकिन रक्षा अवश्य करूंगा। भगवान ने यह भी दिखाया कि मैं मेरे भक्तों की रक्षा करने में कितना तत्पर हूं, मेरे भक्त की रक्षा करने में मैं कितना अग्रसर हूं, भगवान ने यह दिखाया। तो इस प्रकार जब कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और सब लोगों ने देखा, बाहर चतुर्भुज रूप से अंदर द्विभुज रूप से रक्षा की, सब लोगों ने देखा, और जब देवी कुंती ने, पांडवों की माता देवी कुंती जो सती साध्वी नारी थी, राजा पांडु की पत्नी थी,
कुंती ने जब देखा कि कृष्ण ने इतना अद्भुत ऐश्वर्य प्रकट किया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, देवी कुंती नहीं रह पाई और दौड़कर कृष्ण के पास गई और कृष्ण को स्तुति करने लगी। भागवत के प्रारंभ में ही माता कुंती के द्वारा की गई स्तुति का वर्णन है। वैसे भागवत में तो बहुत सारी स्तुतियां हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति, कालिय नाग की पत्नी के द्वारा स्तुति, शिव जी के द्वारा स्तुति, वित्रासुर की स्तुति, अनेकों स्तुतियां हैं। लेकिन उन सभी स्तुतियों में सबसे प्रथम वेदव्यास मुनि ने देवी कुंती की स्तुति को रखा। अद्भुत स्तुति है, श्रेष्ठ स्तुति है। इस स्तुति में ज्ञान भी है और भाव भी है। देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करने लगी और स्तुति करते हुए कहती हैं, श्री कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरे प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं अंतर्बहिरवस्थितं। देवी कुंती भगवान को स्तुति करते हुए कहती हैं, नमस्ये। सर्वप्रथम इस कुंती के तो अनेकों श्लोक हैं, केवल आज के दिन में कुंती स्तुति सुनेंगे, कल भीष्म स्तुति सुनेंगे, इसलिए थोड़ा संक्षिप्त में सुनाना होगा। लेकिन खैर, हमने सुना है कि यहाँ के लोग बड़े बुद्धिमान हैं, तो बुद्धिमान को तो इशारा ही काफ़ी होता है, एक दो घंटा तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। तो देवी कुंती भगवान को स्तुति करते हुए प्रथम श्लोक में कहती हैं, प्रथम शब्द में कहती हैं नमः। सर्वप्रथम देवी कुंती भगवान को नमस्कार करती है। नमस्कार करके हम सबको जनाया कि जब भी भगवान हमें मिले या हम भगवान के दर्शन के लिए जाए तो सबसे पहले हमें भगवान को नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। सर्वप्रथम प्रणाम करने से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भागवत के अंत में पूरे भागवत का सार एक श्लोक में शुद्ध गोस्वामी बताते हुए कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम पनम। जगत के दुखों से यदि मुक्त होना चाहते हो तो प्रणामो, भगवान को प्रणाम करो। प्रणामो दुख शमनम, प्रणाम करने से सारे दुख का शमन हो जाएगा, सारे दुख शांत हो जाएंगे। इसलिए प्रतिदिन भगवान को प्रणाम करना चाहिए, बार बार प्रणाम करना चाहिए। हमारी गौड़ीय धारा में तो ऐसे ऐसे संत हुए जिनका नियम था कि प्रतिदिन गिनकर 1000 बार भगवान को प्रणाम करेंगे तब सोएंगे, 1000 बार। सनातन गोस्वामी भगवान को प्रणाम करें, प्रणाम करने से कृपा मिलती। गोपिया गोपी गीत में भी कहती हैं, प्रणत देही नाम पाप कर्षणम, अनंत अनंत जन्मों से पाप करता हुआ यह जीव एक बार भी कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर देता है ना, भगवान उनके सारे पाप खींच लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। प्रणाम करने वाले जीव की भगवान सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। और वेदव्यास जी ने तो महाभारत जैसे ग्रंथों में यहां तक कह दिया कि 10 अश्वमेघ यज्ञ करो और भगवान कृष्ण के चरणों में 1 प्रणाम करो, ये दोनों का फल समान है। 10 अश्वमेघ यज्ञ और कृष्ण के चरणों में 1 बार प्रणाम, ये दोनों का फल समान है। लेकिन फिर भी वेदव्यास जी का मन नहीं भरा, वो आगे लिखते हैं, 10 अश्वमेघी पुनरेति जन्म, फिर भी 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले का इस भौतिक संसार में पुनः जन्म होगा, लेकिन 1 बार भी कृष्ण के चरणों में जो प्रणाम करता है, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कृष्ण के चरणों में 1 बार प्रणाम कर दिया वह फिर से इस संसार में नहीं आता, वह सदा सदा के लिए वैकुंठ को प्राप्त कर जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है।
प्रणाम करें। देवी कुंती की स्तुति का प्रथम शब्द है नमः। भक्तों इस नमः शब्द के ऊपर ये पूरा सत्र समाप्त हो सकता है। नमः, नमस्कार करें। और भगवान कृष्ण को प्रणाम करने से तो सब कुछ दे देते हैं। इतिहास खोल कर देखिए भक्तों, जब भगवान सीता को ढूंढते हुए उस समुद्र को पार करके चले गए और एक पर्वत के नीचे भगवान ने विश्राम किया, वहां दूसरी ओर विभीषण ने रावण को मनाने का बहुत प्रयास किया, रावण ने लात मार के विभीषण को निकाल दिया। विभीषण जी भगवान रामचंद्र के पास गए, भगवान अपनी कुटिया में बैठे थे और उस समय वानर, रीछ, भालू ये सब लोग राम के पास आकर खबर देने लगे, प्रभु रावण का भाई विभीषण आ रहा है, आप कहो तो हम उसको रास्ते में ही खत्म करें, उनको रास्ते में ही मार डालें। भगवान ने कहा नहीं नहीं, उनको आने दीजिए, उनके मन का भाव क्या है यह तो जान ले। विभीषण का स्वागत किया और विभीषण जैसे ही भगवान रामचंद्र के पास आए, विभीषण ने तुरंत प्रणाम किया। देखिए नमः, इसमें भी नमस्कार। विभीषण जी ने प्रणाम किया, प्रणाम करते ही भगवान रामचंद्र के मुख से निकल गया, लंकेश आपका स्वागत करते हैं। भगवान के मुख से लंकेश कहने का अर्थ है विभीषण को भगवान ने लंका का राजा बना दिया। हे लंका के ईश, हे लंका के राजा, आपका स्वागत करते हैं। मानो भगवान राम ने विभीषण का राज तिलक कर दिया। उस समय हनुमान जी, जामवन जी आए और कहने लगे, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, आप विभीषण को लंका का राजा बना रहे हैं, अभी तो हमारा युद्ध भी नहीं हुआ, रावण के साथ युद्ध नहीं हुआ, हम लोग युद्ध जीते भी नहीं हैं और आपने इनको राजा बना दिया, यदि मान लो कि रावण के साथ युद्ध करते हुए हम हार गए तो। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा चिंता मत करो, ये रघुकुल है, रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। प्रभु यदि रावण के साथ युद्ध में हम हार जाएंगे तो विभीषण को क्या दोगे आप? भगवान ने कहा है तो रघुकुल है, चिंता मत करो, यदि रावण के साथ युद्ध करते हुए मैं हार गया तो इस विभीषण को मेरी अयोध्या का राजा बना दूंगा, लेकिन राजा तो अवश्य बनाऊंगा। आप विचार कीजिए, मुझे आपको केवल इतना ही कहना है कि जो सोने की लंका रावण ने अपने दसों मस्तक यज्ञ कुंड में डाल दिए तब जाकर शिव जी से प्राप्त हुई थी, दसों मस्तक यज्ञ कुंड में डाल देने के बाद रावण को सोने की लंका प्राप्त हुई, वही सोने की लंका विभीषण को मात्र भगवान राम के चरणों में प्रणाम करने से प्राप्त हो गई। यह है भगवान को नमस्कार करने का प्रभाव परिणाम। अतः नमस्ये पुरुषम त्वात्यम्। अतः देवी कुंती भगवान को नमस्कार कर रही है, प्रणाम कर रही है। प्रसंग आया है इसलिए कह दूं, कुछ लोग तो इतने आलसी होते हैं, एक तो मंदिर में जाते नहीं है और न प्रणाम करते हैं, अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में बैठकर जाते और रास्ते में मंदिर आ गया तो प्रेम से नहीं भय से गाड़ी को खड़ा कर देते हैं, भय से, बोले मंदिर आया तो अब प्रणाम नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए तुरंत ब्रेक मारते हैं, गाड़ी को खड़ा कर देते हैं, लेकिन गाड़ी से उतरते नहीं है, गाड़ी के कांच बंद है, एसी चालू है और गाड़ी में बैठे बैठे ही दो तीन हॉर्न मारते हैं और हॉर्न मारकर ऐसे ऐसे करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं, सोचते हैं कि बहुत बड़ी भक्ति हो गई आज हमारी। निश्चित मैं कई बार सोचता हूं ऐसे लोग मरने के बाद सीधे नरक में जाएंगे और यमराज के दूत ऐसे लोगों को बहुत पीटते हैं, बहुत बहुत मारते हैं, बड़े बड़े डंडे से मारते हैं
और जब इसकी धुलाई करेंगे उस जीव की, तब राधा और कृष्ण दोनों गाड़ी लेकर वहां से निकलेंगे, बिल्कुल ऐसी कार मर्सिडीज में बैठकर। और उस समय वो पापी चिल्लाएगा, प्रभु मेरी रक्षा करो, ये लोग बहुत मार रहे हैं, बहुत पीट रहे हैं। उस समय भगवान अपनी गाड़ी को ब्रेक मारेंगे, निश्चित वो रुकेंगे और ब्रेक मारकर दो तीन हॉर्न बजाएंगे, थोड़ी देर खड़े रहकर ऐसे ऐसे करेंगे और भगवान वहां से निकल जाएंगे, रक्षा नहीं करेंगे। भक्तों, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, भगवत गीता में लिखा, ये यथा माम प्रबद्यन्ते तांसस्थैव भजाम्यहम्। ये अर्जुन जो जिस प्रकार जिस भाव में मेरी भक्ति करता है, मैं उसी प्रकार उसकी भक्ति करता हूं, उसकी रक्षा करता हूं। बस ये गाड़ी और होन वाली भक्ति करते हैं तो भगवान भी गाड़ी और होन वाली रक्षा करेंगे। इसलिए बड़े भाव से प्रेम से ये शरीर मिला है भगवान को प्रणाम करने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सो सिर कटी संबर तुला जो न नमत हरि गुरु पद मूला। जो भगवान के चरणों में गुरु के चरणों में झुकता नहीं है उसके मस्तक को तो काट ही देना चाहिए। और जीव का दुर्भाग्य तो देखिए, अपना मस्तक हजाम के सामने झुका देता है, सलून में जाकर ही बिल्कुल ऐसे बैठ जाता है, हजाम के सामने अपना मस्तक झुकाता है, अपनी पत्नी के सामने मस्तक झुकाता है, लेकिन भगवान के सामने नहीं झुका पाता है। एक बार भी भगवान के आगे यह मस्तक झुक गया तो फिर माया के सामने इस मस्तक को नहीं झुकाना पड़ेगा। अतः इन सारे सिद्धांतों का सार देवी कुंती अपनी स्तुति के एक शब्द में देती हैं, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरे प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कहते हैं कृष्ण, कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूं। जैसे ही देवी कुंती ने कृष्ण को प्रणाम किया ना, देवी कुंती ने कृष्ण को प्रणाम किया, तुरंत कृष्ण खड़े हो गए, बोले माँ ये क्या कर रही हो, आप तो मेरी माँ हो, आप मैं तो आपका छोटा सा बालक हूं, छोटा सा बेटा हूं। क्योंकि देवी कुंती भगवान कृष्ण की बुआ थी, बुआ जानते ना, पिता की बहन को बुआ कहते हैं। तो देवी कुंती शूरसेन की कन्या थी और कृष्ण के पिता वसुदेव भी शूरसेन के पुत्र थे। वसुदेव और देवी कुंती ये दोनों सगे सहोदर भाई बहन थे। तो यह नाते कुंती भगवान कृष्ण की बुआ है और बुआ का स्थान तो माँ के समान होता है, तो माँ की तरह होती हैं। कृष्ण ने कहा, बुआ जी आप मुझे चरणों में प्रणाम कर रही हो, आप तो मेरी माँ हो, मैं तो आपका छोटा सा बालक हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ। तब देवी कुंती कहती हैं, कृष्ण कृष्ण तुम दिखने में बालक हो, तुम दिखने में बच्चे हो, तत्व से यदि देखा जाए तो इस चराचर जगत के, इस पूरे ब्रह्मांड के आप बाप हो, सबके ईश्वर हो। दिखने में बालक भले लगते हो लेकिन आप पूरे जगत के बाप हो। नमस्ये पुरुषम तु आद्यम, क्योंकि आप सबके आदि हो। आदि का अर्थ है हमारे आदि हमारे पिता, उनके आदि उनके पिता, उनके आदि उनके पिता, ये करते करते जहां पर एंड होता है वो है कृष्ण। इस संसार के एकमात्र आदि आप हो। नमस्ये पुरुषम तु आद्यम, और आप ही परम पुरुष हो। इतना ही नहीं, ईश्वर आप, साक्षात ईश्वर हो, भगवान हो, परम स्वतंत्र हो, सभी जीवों के कंट्रोलर हो, सभी जीवों के नियंता हो। और ईश्वर होते हुए भी आप इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आए हो, लेकिन मैं जानती हूं आप इस प्रकृति में प्रवेश तो हुए हो, परंतु इस प्रकृति में रहते हुए भी
यह प्रकृति आपको स्पर्श नहीं कर पाती है। अर्थात इस प्रकृति में रहते हुए भी आप प्रकृति के नियम से परे हो। ईश्वरम प्रकृते परम, देवी कुंती ने कहा, प्रकृति से परे हो, प्रकृति से पार हो। कृष्ण प्रकृति में रहते हैं फिर भी प्रकृति से परे हैं। इसका अर्थ है प्रकृति के नियम हम सब के लिए हैं, भगवान के लिए नहीं है। प्रकृति का नियम है कि जब किसी मनुष्य का जन्म होना होता है तो माँ के गर्भ से ही होता है, लेकिन ये नियम संसार के जीवों के लिए, भगवान के लिए नहीं। भगवान चाहे तो माता के गर्भ से भी आ सकते हैं, उनका मूड हो गया तो सीधे आकाश से गरुड़ के ऊपर बैठकर भी आ